So there is zero output. It is not reaching any. Horizontally polarized means that it can support only those waves which have horizontal direction. I have placed now this in such a manner that electric field it supports will be between this plate and this plate only. Broad dominant mode kaise banta hai? Isn't it? Between broad plates banta hai? तो यहाँ पे मैंने उसको 90 डिग्री पे रोटेट किया है. नॉर्मली हम वेव गाइड को ऐसा रखते हैं, तो इस वक्त कैसे बनेगा इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड? ऐसे बनेगा. बट इफ यू प्लेस इट लाइक दिस नाउ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बनेगा? ऐसे बनेगा ना. तो मैंने जब इसको ऐसे प्लेस किया, दैट मींस इट बिकम्स अ हॉरिजॉन्टली पोलराइज्ड मैग्नेट. और इन अदर वर्ड्स आई कैन से इट सपोर्ट्स ओनली दीज वेव्स व्हिच फ्लो इन दिस डायरेक्शन. तो ये बहुत हीट अप हो जाता है, उसका ख्याल रखना. इनकी वोल्टेज भी बहुत अप्लाई कर रहे हैं, अराउंड 300 वोल्ट अप्लाई कर रहे हैं. देखिए जब हम ऐसे रख लेते हैं एट एन एंगल, फिर भी कुछ रिसीव हो रहा है, लेकिन व्हेन इट एग्जैक्टली तो मैक्सिमम रिसीव होगा. ये वर्टिकल एंटीना है. इरेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट वेदर दिस इज, ये कैसे है, इसका माउथ जो है हॉर्न का, इट डिपेंड्स ऑन दिस. इसका माउथ ऐसे है, इसकी हाइट हमने इंक्रीज की है और इसकी बी डायमेंशन का ये ऐसे इंक्रीज किया है. इसमें बी इंक्रीज किया, इसमें ए किया इंक्रीज है. इसमें हाइट सेम है, इसमें विड्थ सेम है. नाउ इफ यू जस्ट टेक इट क्लोज टू दिस इवन, यहां पे देख लीजिए है ना. बट इफ आई चेंज द पोलराइजेशन, जस्ट चेक कर लीजिए, जीरो हो जाएगा जब ये पूरा आएंगे ना 90 डिग्रीज पे, पूरा जीरो होगा. आई मीन से इसकी एक्सिस और उसकी एक्सिस जब 90 पे होगी तो जीरो आएगा. इवन दो ये हमने दोनों को कनेक्ट किया, एक 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 दूसरे के साथ ही कनेक्ट किया, तब भी जीरो होगा. सो यू कैन, हाँ अगर ये वाइडर कर लेता तो देन इट वुड डिपेंड ऑन द एपर्चर ऑफ दिस एंटीना, ये कितना कैप्चर कर पाता है. फॉर एग्जाम्पल अगर वो जो दूसरी एंटीना थी हमारे पास, उसका एपर्चर ज्यादा बड़ा है, अगर रेडिएशन पैटर्न भी बड़ा होगा तो उसमें वो कैप्चर कर लेगा. लेकिन अगर रेडिएशन पैटर्न ऐसा है कि वो एक पेंसिल बीम रेडिएट कर रहा है लाइक दिस फॉर एग्जांपल, अगर रेडिएशन बीम ऐसा है, सो इट डिपेंड्स वेदर माउथ इज इतना बड़ा होगा या इससे कम होगा, सो सेम रिसीव होगा. लेकिन पोलराइजेशन यहाँ पे फर्क पड़ रही है. पोलराइजेशन का मतलब ये कि जब हम 90 डिग्रीज पे इसको कर लेते हैं, अगर इसका एपर्चर तब भी पूरा है, बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये कुछ रिसीव नहीं कर पाता है. Because it does not support the wave to be propagated in this direction. तो सर रिसीविंग एंटीना को थोड़ा साइड में करेंगे तो भी कम हो जाएगा. हाँ देखिए वो तो होगा, अगर आप इसको पूरा ऐसे ले लेते हैं यहाँ से, देखिए क्योंकि ये रेडिएट कर रहा है यहाँ से. अगेन इट सपोर्ट्स वन थिंग कि इसका जो रेडिएशन बीम है, अगर नॉर्मल एंटीनाज आप नहीं लेंगे ना लोअर फ्रिक्वेंसीज पे, उनकी बीम विड्थ बहुत ज़्यादा होती है. अगर आप यहाँ पे भी रिसीविंग एंटीना प्लेस कर लेंगे तब भी कुछ नहीं होगा. लेकिन बट हियर we can see that it's actually flowing in this direction only. Directivity का जो concept है, अगर आप यहाँ पे देखेंगे आ रहा है, और अगर आप थोड़ा सा इसको और ले लेंगे इस साइड में, कुछ नहीं आ रहा है. Sir, and does it depends on the distance? हाँ definitely distance पे depend कर रहा है, इसलिए कि अब ये medium जो है, in medium attenuation of the signal takes place. Now it depends on the frequency, उस सिग्नल की क्या फ्रीक्वेंसी है और मीडियम की करेक्टरिस्टिक्स क्या है उस फ्रीक्वेंसी पे, क्योंकि ये जो माइक्रोवेव बैंड है ये बहुत बड़ा है. सो इन माइक्रोवेव बैंड डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज पे डिफरेंट एटेन्यूएशंस हैं, इसलिए पूरा चार्ट है इसके लिए कि, और कुछ फ्रीक्वेंसीज ऐसी हैं जहाँ पे एटेन्यूएशन बहुत कम है. दोज आर नॉर्मली टर्म्स एज विंडोज, उनको यूटिलाइज किया जाता है कम्युनिकेशन के लिए ज़्यादातर, क्योंकि उसमें ये रीज़न है कि वहाँ पे एटेन्यूएशन कम होगी, सो रेंज भी बढ़ जाएगा. अगर दोनों, हाँ वही मैं कह रहा था ना, इवन इफ बोथ आर वाइड
प्योर बी जैसे इसमें है, अगर हम ये एंटीना कर लेंगे प्लीज। नाउ फॉर एग्जांपल जो रेडिएशन पैटर्न है, अगर ये रेडिएट कर रहा है सिर्फ इतने एरिया में ही, देन इरेस्पेक्टिव ऑफ दिस माउथ एंड दिस माउथ रेडिएशन इंटेंसिटी विल बी सेम। फिर उसका कोई फायदा नहीं है ना कि व्हेन इट इज रेडिएटिंग अ नैरो बीम, अगर आप माउथ बड़ा भी इसमें कर लें कुछ फायदा नहीं होगा। बट इन सर्टेन केसेस वायर इन इट रेडिएट्स ओवर अ वाइडर बीम, तो अगर आप उसमें ये इतना बड़ा, या ऐसा होगा कि अगर आप ये एंटीना यहाँ पे रेडिएट कर रहा है, सो एज दिस बीम प्रोपेगेट्स इट डाइवर्जेस। अगर यहाँ पे नजदीक में इसका बीम विड्थ ये होगी, लेकिन ये जो एरिया कर रहा है कैप्चर इतना ही कर रहा है, बट एज इट प्रोपेगेट्स लाइक दिस तो ये डाइवर्ज हो रहा है ना, तो एट देयर इफ यू दिस एपर्चर कम्स इनटू पिक्चर देयर। हाँ, जब आप नजदीक रखेंगे तब एपर्चर का उतना फायदा नहीं होगा क्योंकि ये नैरो बीम है, लेकिन अगर बहुत दूर आप देखेंगे वहां पे एपर्चर का भी फर्क पड़ता है। सर अगर ये एटेन्यूएटर हटा देते हैं तो रिसेप्शन में कोई प्रॉब्लम आएगी? नहीं नहीं, रिसेप्शन देखिए क्या होगा, हमने यहाँ पे एटेन्यूएटर जो किया है, अब उसमें ये होगा कि ये ज्यादा रेडिएट करेगा इस डायरेक्शन में, लेकिन अगर रिफ्लेक्शन हो गई उससे ये हीट अप हो जाएगा और ज्यादा। सो टू यूज आई मीन से प्रिकॉशनरी मेजर के हम यहाँ पे एटेन्यूएटर रख दिया, लेकिन ये इंसिडेंट वेव्स को भी कर रहा है एटेन्यूएट। अगर आप आइसोलेटर यहाँ पे बीच में लगा देते हैं तो इंसिडेंट को ये नहीं करेगा, तो उस केस में रेंज बढ़ जाएगा, लेकिन लैब में विद इन लैब तो हमें रेंज उतना ज्यादा होता नहीं है, सो हमारे एक्सपेरिमेंट्स के लिए ठीक रहता है। ये कह सकते हैं कि कोई भी किसी भी सिग्नल को रिसेप्शन डिपेंड करता है सर इसकी ओरिएंटेशन पर। हाँ, वो तो उसकी मतलब एंटेना सर ब्रॉडर है या? हाँ, वो तो उस पर डिपेंड करेगा, ये इस पे डिपेंड करेगा ना आप कैसे इसको रखेंगे। सर इसमें एनर्जी लॉस नहीं होती है सर? यहाँ पे किस डायरेक्शन की बात है सर? पैरेलल को छोड़ के आइदर साइड्स दोनों साइड। हाँ, उसमें ये है ना कि ये जो एक्चुअली जो हमने ये डिजाइन किया है, यहाँ से भी जो सिग्नल भेज रहे हैं वो भी वर्टिकली पोलराइज्ड है। वर्टिकली पोलराइज्ड मींस दैट इसकी डायरेक्शन अपवर्ड्स है, तो यहाँ पे भी वैसा ही रिसीव हो रहा है, तो उस केस में जो यहाँ से सिग्नल आ रही है उसका बीम बहुत नैरो है, सो इतने साइड्स के बाहर से नहीं जा रहा है वो, जैसे हमने भी ऑब्जर्व भी किया। अगर हम इसको एंटीना को यहाँ पे ले रख लेते हैं कुछ रिसीव नहीं हो रहा है, डेट मीन्स ये जो रेडिएट कर रहा है ये यहाँ से नहीं कर रहा है रेडिएट, इसकी डायरेक्टिविटी ज्यादा है। हाँ, डायरेक्टिविटी बहुत ज्यादा है। सर अगर हमें सर लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन करना है तो एंटीना का अपर्चर रोड क्यों रखते हैं? हाँ, एपर्चर इसलिए है कि देखिए नॉर्मली जो लाइन ऑफ साइट जो है होती है ना लिंक्स, वो बहुत दूर लिंक्स होती हैं, डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, पॉइंट टू पॉइंट है बट डिस्टेंस ज़्यादा है। तो जो हमें अभी कह रहे थे कि अगर आपके पास दो वेक्टर्स हैं ये बहुत नैरो हैं, बट एज डिस्टेंस इंक्रीजेस तो ये बढ़ता है, ये डाइवर्ज होता है, डू यू गेट इट और नॉट? तो इसीलिए फिर जितना एपर्चर आप वहाँ पर रख सकते हो उतना ज्यादा वो रिसीव हो सकता है। ट्रांसमिशन एंड पे अपर्चर, हाँ ट्रांसमिशन एंड पे, हाँ दैट हैज अ डिपेंडेंस ऑन द डायरेक्टिविटी एज वेल। जो उसका अपर्चर है दैट डिपेंड्स ऑन द डायमीटर, ये जो बीम विड्थ है दैट डिपेंड्स ऑन डायमीटर एंड द वेवलेंथ। अब अगर डायमीटर ज्यादा होगा, फॉर एग्जांपल अगर मैं इसका डाया कम कर लेता हूं इसका, तो ये ज्यादा ब्रॉड एरिया पे फिर रेडिएट कर लेगा, इसकी बीम विड्थ फिर ज्यादा बढ़ेगी, कम नहीं रहेगी। बट फॉर माइक्रोवेव्स आर पॉइंट पॉइंट कम्युनिकेशन वी नीड दिस नैरो बैंड बीम विड्थ। बीम विड्थ हम वो रेडिएशन में पढ़ लेंगे दैट इट डिपेंड्स ऑन द डायमीटर एज वेल एज दैट वेवलेंथ। ये वाला नहीं, दिस इज सी इसका जो बैक एंड है दैट इज सर्कुलर, ये सर्कुलर वेवगाइड के लिए बेटर है, क्योंकि अब ये है ना कि अगर आपके पास ये वेव है ये रेक्टेंगुलर वेव के लिए, व्हेन इट इफ यू डायरेक्टली कनेक्ट दिस रेक्टेंगुलर वेव टू वेवगाइड टू सर्कुलर वेवगाइड, आई हैव टोल्ड यू इन द क्लास एज वेल वी हैव टू चेंज द डायमेंशंस ग्रेजुअली सो दैट इट बिकम्स सर्कुलर। इफ यू एब्रप्टली चेंज द डायमेंशंस देन रिफ्लेक्शन विल बी नीड। हाँ, ये मैं कह रहा था वो एक शॉर्ट सर्किटिंग प्रोब है इसको एडजस्ट करने के लिए। अगर लाइन ऑफ साइट की एप्लीकेशन, तो आई थिंक पॉसिबली मे हैव मिस दैट फर्स्ट फ्यू लेक्चर्स। पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन हमने पढ़ा था ना, पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन की बहुत एडवांटेज हैं। एक आपको डिपेंड करता है कि अगर आप
जैसे ब्रॉडकास्टिंग आप नहीं चाहते हैं कहीं पे ज़्यादा और ज़्यादा एरिया पे ना हो, सिक्योर हो, या अगर आपके पास पॉइंट पॉइंट लिंक्स हैं तो ये जो एंटीनास हैं ये स्पेस वेहिकल्स हैं और ग्राउंड स्टेशन, तो दीज वेव्स कैन पेनिट्रेट आइनोस्फीयर, सो दैट वे वी कैन सेट अप अ लिंक बिटवीन स्पेस स्टेशन एंड द ग्राउंड स्टेशन, डायरेक्टिविटी तो वहाँ पे भी मतलब ये एक ही पियर पे नहीं है, ऑल्दो जो हमने यहाँ पे ऑब्जर्व किया है अराउंड 300 वोल्ट्स बीम वोल्टेज पे, और अगर आप रिपेलर को मैक्सिमम रख लेते हैं तब जनरेट होती है। फॉर एग्जाम्पल इफ आई चेंज दिस इन जस्ट चेक, अभी वोल्टेज जो है अराउंड 250 है, तो यहाँ पे आप देखिए अभी वोल्टेज जो है इट इज 220 220 और इस रिपेल वोल्टेज पे आउटपुट कुछ नहीं मिल रहा, दैट मींस इट इज नॉट जनरेटिंग द माइक्रो सिग्नल। तो एनालिसिस से हम देख लेते हैं कि ये प्रॉपर वैल्यूज हैं कुछ, देखिए यहाँ पे भी जनरेट हो रहा है लेकिन उतना ज्यादा नहीं, फिर गायब हो गया। सो वी हैव ऑब्जर्व दैट एट अराउंड 300 वोल्ट्स वी आर एबल टू जनरेट, ये बात ये जस्ट मेजरमेंट के लिए, ये करंट है 550 माइक्रो सेकंड, हाँ नहीं नहीं ये डीसी जो यहाँ से जा रहा है इंटरनल, ये रिपेलर वोल्टेज है, रिपेलर वोल्टेज है अराउंड 190, रिपेलर वोल्टेज ये है जो रिपेलर इलेक्ट्रोड को यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर ये इलेक्ट्रोड है रिपेलर का और यहाँ से इलेक्ट्रॉन बीम आ रहा है सो इट विल बी रिफ्लेक्टेड बैक, if you change the repeller voltage then ye jo reflecting field hai wo bad jayega, so electrons cannot penetrate deeper, wo kam hi distance travel karke wapas chale jayenge, so that affects the frequency, kyunki jo pura round karne ka jo time hai round trip time we call that will reduce, agar aap repeller voltage kam kar lete hain then it can penetrate deeper and so that way time taken will be more, so that has an effect on the frequency, so you can take some measurements on the basis of sir repeller voltage equals to 190 for its maximum value, so this is constant for all the time sir, no we can change it, for example if I place it repeller mein bhi kam kar deta hu, for example maine yahan pe rakha wo maine fixed rakha, repeller is waqt hai around 160 lekin sound kuch nahi aa rahi hai my previous sir, now if I try to change it padhana hoga sir main voltage to nahi just at some proper value in this training thoda sa problem hai इस वक्त मैंने एम्पलीट्यूड ऑफ मैसेज सिग्नल भी कम किया है टू गेट प्रॉपर आउटपुट, व्हाई, क्योंकि ये जो जनरेट कर रहा होगा पॉसिबली उसका पावर लेवल भी कम होगा, तो आपने वो ओवर मॉड्यूलेशन का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा उसमें, तो देयर पावर ऑफ द कैरियर शुड बी मोर देन द पावर ऑफ द मैसेज सिग्नल, सो आई हैव डिक्रीज्ड मैसेज सिग्नल हियर एज वेल, ओके, और ये इस सेटअप पे इस वक्त है 160 है रिपेलर की और बीम वोल्ट जो है नहीं कर सकते, बीम वोल्ट से अराउंड 260 बिटवीन 260 एंड 300, अब देखिए अब ये डिफरेंट पेयर्स ऑफ वैल्यूज हैं बिटवीन बीम एंड दिस रिपेलर वोल्टेज, डू यू गेट इट ऑर नॉट, रिपेलर वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी तो फर्क पड़ा बीम वोल्ट से।